कल जब हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि मोस्टली वो सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर्स में थे। डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि इंडिया जो थोड़ा सा पुअर कंट्रीज है उनके फेवर में थे। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनमें डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे हमारा अमेरिका हो गया, इसके अलावा रशिया हो गया जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, इनमें इन सबको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2000 में कुछ प्रॉब्लम्स थी इस दुनिया की, उनको आधार बना के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था वो बनाए गए थे। लेकिन 2015 में दुनिया की परेशानियां बदल गई, बहुत सारी नई परेशानियां ऐड हो गई, बहुत सारे नए जो डेंजर्स थे वो ऐड हो गए। तो 2015 में जो चुनौतियां थी इस दुनिया की उसको आधार बना के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचा गया है। जैसे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े कल, उसमें इन्वायरमेंट का जिक्र था लेकिन बहुत ज्यादा जिक्र इन्वायरमेंट का नहीं था। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, इन्वायरमेंट को लेके ही बहुत सारे लक्ष्य हैं। क्योंकि 2015 तक हमें ये पता चल चुका था कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है एंड डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम इन्वायरमेंट को भी बचा के रखें। तो सितंबर 25, 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया। 193 हेड ऑफ स्टेट्स, 193 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस पे साइन किया था। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? 189 सर, हाँ 189 जी, 189 कंट्रीज ने आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया था एंड 193 कंट्रीज, कुछ कंट्रीज और ऐड हो गई। अब क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं इसीलिए कंट्रीज की जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे 17 गोल्स को ऐड किया गया जिन्हें हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड क्योंकि ये सारे गोल्स आपको 2030 तक अचीव करने थे, 2030 तक इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना था, इस वजह से इन्हें हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं। तो एजेंडा 2030 और कुछ नहीं है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 टारगेट हैं, 17 गोल्स हैं एंड इन 17 गोल्स के अंदर कुछ इनके सब टारगेट हैं। जैसे हमने कल भी देखा था ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी उनके कुछ सब टारगेट थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं एंड उनके अंदर टोटल 169 टारगेट्स हैं। तो ये 169 टारगेट्स तो हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ भी लेंगे तो इन्हें हम याद नहीं कर सकते। तो मोस्टली इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एक एक टारगेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, या फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि किस गोल के अंदर कितने टारगेट थे और उन टारगेट में क्या था, ये नहीं पूछा जाएगा। बस ये 17 गोल्स भी आपको याद रहते हैं एंड अगर ये प्रेजेंटेशन में जो जो लिखा हुआ है वो आपको याद रहता है तो क्वेश्चन इसी से आएगा। इसके अलावा ये जो गोल थे वो इंक्लाइंड थे किसकी तरफ, मोस्टली उसमें किस चीज को अचीव करने के ऊपर ध्यान दिया गया था। वहां पे गरीबी को खत्म करना था, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना था, इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनमें एक शांति बनी रहे, संपन्नता बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम जल्दी से इनको कवर करते हैं, बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट आपको अगर नाम भी याद रहते हैं तो आप क्वेश्चन इनके कर पाओगे। सर, वहां पे गरीबी खत्म करना था मतलब गोल, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भी एंड पॉवर्टी ही है आपका, पॉवर्टी को एंड करना है, गरीबी को आपने खत्म तो करना। बोला ना कि यहाँ पे तो मेनली दे फोकस ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस, चेंजेस। आपका इन्वायरमेंट पे मैंने ये कहा कि
जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ वहां पे भी कुछ गोल थे, जैसे एक गोल था जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया था। ये जो 2015 के गोल हैं इनमें ह्यूमंस के डेवलपमेंट का ध्यान तो रखा ही गया है, जैसे गरीबी, जैसे सैनिटेशन, जैसे भुखमरी वगैरह को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी ज्यादा लिया गया है। तो डेवलप ओके हाँ जी डेवलपमेंट यहाँ पे भी आएगा, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला जो गोल था कि गरीबी को पूरी तरह से खत्म किया जाए, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, जहां भी गरीबी है उसको खत्म किया जाए, ये इसका पहला गोल था। अब इसके अंदर 14 से 15 सब टारगेट हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिए हैं हमने। आपको जस्ट इनकी हेडिंग याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड टारगेट है, सेकेंड गोल है, वो आपका भुखमरी और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फूड सिक्योरिटी हम कहते हैं कि सबको प्रॉपर खाना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो सबको प्रॉपर खाना मिलने को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो जो दूसरा आपका लक्ष्य है वो उसमें है कि भुखमरी खत्म करना है, सबको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एंड सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जो सबकी डाइट है वो सब वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अब फूड कहाँ से मिलेगा? फूड मिलेगा एग्रीकल्चर से। तो फूड को प्रॉपरली सब लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो दूसरा लक्ष्य था उसमें फूड के साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी ऐड कर दिया कि आपका एग्रीकल्चर जो है, क्योंकि अगर हम गरीबी खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम ब्लाइंडली एग्रीकल्चर को बढ़ाते जाएं और हो सकता है कि हम जंगल को खत्म करते जाएं। तो मैंने कहा ना यहाँ पे विकास के साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दिया है, तो इन्होंने ये चीज यहाँ पे इंक्लूड की है कि आपको गरीब सॉरी आपको भुखमरी तो खत्म करनी है, आपको जो खाद्य संसाधन है उनको बढ़ाना तो है, लेकिन आपकी जो कृषि है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, इन्वायरमेंट का ध्यान रख के होनी चाहिए। इसके अलावा ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड तीसरा गोल है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो हमारी लाइफ है वो उस हेल्दी होनी चाहिए, एंड जितने भी एज के लोग हैं वो सारे के सारे हेल्दी होने चाहिए। इसके अंदर भी बहुत सारे गोल थे, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये आपका हेल्थ से रिलेटेड तीसरा गोल है। इसके बाद जो आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे चौथा गोल है। यहाँ पे है कि आपकी एजुकेशन में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, मींस बॉयज एंड गर्ल्स के लिए इक्वल चांसेस होने चाहिए। इसके अलावा इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, मींस जो आपकी एजुकेशन है उसकी एक क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हो लेकिन बहुत बेकार क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हो। आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल मींस जैसे बच्चे डेवलप्ड कंट्रीज में पढ़ रहे हैं उन सबके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, उन सबके पास अगर आप कोई डेवलप्ड कंट्रीज की क्लासेस देखते हो तो वहां पे ब्लैक बोर्ड एंड चॉक का यूज ही नहीं होता, सबके पास अपने अपने कंप्यूटर्स होते हैं, टीचर सामने एक बड़ी स्क्रीन पे लिखता जाता है, उनके कंप्यूटर पे ये आता जाता है। तो अभी इंडिया में इसी के तहत बहुत सारी जगहों पर ये सिस्टम आ रहा है। तो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि जो आपकी लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, वो स्कूल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। तो इसी के तहत आप लोग अभी देखो बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च कर रही है। आपने पढ़ा होगा टीचिंग में स्वयं स्वयं प्रभा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इसी के तहत। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा पांचवा लक्ष्य है। ये पिछली बार भी था एंड इस बार भी इसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा
जितने भी वाटर रिसोर्स, वाटर जो भी सैनिटेशन है हमारा, सैनिटेशन मींस मैंने आपको बताया था मल त्याग की सुविधा, तो सभी लोगों के पास स्वच्छ मल त्याग की सुविधा होनी चाहिए एंड उसका भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट मींस जो हमारा सैनिटेशन है उससे इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं होनी चाहिए एंड सबके पास वाटर एंड सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये आपका छठवां लक्ष्य हो गया। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि आपका सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड कौन सा सतत विकास लक्ष्य था, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था। तो जो सातवां आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड एंड अफोर्डेबल एनर्जी से रिलेटेड। जो आपकी ऊर्जा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी क्लीन सोर्स से आनी चाहिए। जैसे कोल बर्निंग से पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे तो उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता था। धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रिसिटी आने लगी आपके डैम वगैरह से, तो वो थोड़ा क्लीन तो था, उससे पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जहाँ पे एक डैम बनता है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, पूरा का पूरा लैंड पानी के अंदर चले जाता है, तो वो भी सही नहीं माना जाता। अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं सोलर एनर्जी की तरफ एंड विंड एनर्जी की तरफ। तो सातवां वाला ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी सबका ध्यान इसी की तरफ है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका आ जाए। सर, आजकल कौन सा प्रोसेस यूज होता है इसके लिए, मतलब एनर्जी के लिए? आजकल मोस्टली तो अभी हम कोल से ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से 100% शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी भी हम कोल से ही एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे वाटर से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, विंड से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर पैनल आपने देखे होंगे, एंड जो नई टेक्निक्स आती हैं उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे आपके सोलर पैनल बहुत ज्यादा भी कॉस्टली होते हैं, तो अभी तो कोल एंड कोल से ही हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन नई नई टेक्निक्स को भी यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस आपका जो एक कंट्री में लोगों की आय है, लोगों की इनकम है, वो सस्टेनेबल तरीके से बढ़नी चाहिए। मींस लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। इसके अलावा सभी लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। तो ये जो आठवां लक्ष्य है ये आप लिख सकते हो, ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रोजगार से रिलेटेड है। इसके सर, अलावा ये हाँ प्रेजेंटेशन है, जी एक्सक्यूज मी सर, इसको थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा कर दीजिए तो दिखेगा ठीक से। ओके, ये वाली पीपीटी तो आपको 1 मिनट में आपको शेयर ही कर देता हूँ। सर स्क्रीन फुल कर लीजिए ना। ठीक है, अभी जी सर। हाँ जी सर। जी, तो जो नौवां आपका सतत विकास लक्ष्य है वो यही है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो भी हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं एंड जो भी हम इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह जितनी हम लगा रहे हैं, वो सारी की सारी सस्टेनेबल तरीके से हमने लगानी है। सस्टेनेबल तरीके से लगाने के लिए अगर हमें कुछ इनोवेशन वगैरह भी करनी पड़ रही है, तो वो इनोवेशन वगैरह भी हम करेंगे। तो ये हमारा नौवां सतत विकास लक्ष्य है। उसके बाद ये 10वां सतत विकास लक्ष्य है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन कंट्रीज। अब देशों के बीच में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका एंड नेपाल को, बांग्लादेश को, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि
कुछ थोड़ी छोटी कंट्रीज हैं अभी डेवलप कर रही हैं, थोड़ी सी पुअर कंट्रीज हैं, एंड अमेरिका थोड़ी सी रिच कंट्री है एंड पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है। तो इसीलिए जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। अगर हम देशों के बीच में बात करें, कोई भी देश किसी को दबा देता है, जैसे अभी चाइना है तो उसने तिब्बत पे पूरा कब्जा किया हुआ है। तो पूरी तरह से तो ये पॉसिबल नहीं है इनइक्वालिटी को खत्म करना, लेकिन फिर भी इनका एक लक्ष्य है कि टाइम के साथ साथ जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके। इसके अलावा 11वां जो आपका सतत विकास लक्ष्य है वो है आपकी सिटीज से रिलेटेड। जो आपकी सिटीज हैं या फिर जहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, मींस जहां पे भी लोग रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षित बनाना और उन्हें सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल मींस उनकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो। जैसे कहीं पे सिटीज होते हैं तो वहां पे पोल्यूशन होता है, या फिर पहले क्या हो रहा था, लोग जंगल काट काट के शहर बसा दे रहे थे। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना, ये हमारा 11वां सतत विकास लक्ष्य है कि जहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, उसे सेफ बनाना और सस्टेनेबल बनाना। इसके अलावा ये 12वां सतत विकास लक्ष्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहता है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। कंजम्पशन होता है जिन चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं। तो हम किन किन चीजों को यूज कर रहे हैं, जैसे कि फूड आइटम्स हो गए। इसके अलावा अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं हम, पेन, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। तो जितनी भी चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं उनका सस्टेनेबल कंजम्पशन करना। सस्टेनेबल कंजम्पशन, वही बात फिर से रिपीट हो जाएगी कि आपके कंजम्पशन की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आपको प्लास्टिक को यूज करना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप प्लास्टिक को यूज कीजिए, लेकिन इतनी लिमिट में यूज कीजिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। एंड अगर आप उसको कहीं पे डिकम्पोज कर रहे हो या फिर उसको हटा रहे हो प्लास्टिक को, तो ऐसे तरीके निकालिए, क्योंकि प्लास्टिक किसी सही मेथड से डिकम्पोज नहीं हो सकता। प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को हम बिना किसी पॉल्यूशन के डिकम्पोज कर सके। तो यहाँ पे आपका रिसाइकलिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है कि प्लास्टिक की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम कैसे चेंज करें, जो पेपर है, जो ग्लास है, उसे कैसे रिसाइकल करें। इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं, जैसे कि हम मेटल्स वगैरह से बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उसका भी सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें कि जो मेटल्स वगैरह हैं वो हमारी अगली जनरेशन के लिए भी रह सके। तो ये जो सारी चीजें हैं कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रिसाइकलिंग का। ये आपके 12वें सतत विकास लक्ष्य में है। तो आप लोग देखो, मैंने आपको कहा था यहाँ पे हर चीज में इन्वायरमेंट रिपीट होगी, क्योंकि 2015 में इन्वायरमेंट ही एक तरह से मेजर इशू था। इसके अलावा आपका 13 नंबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया 7 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी था, 12 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड 13 नंबर, 13 नंबर आपका इंक्लूड करता है क्लाइमेट चेंज को। तो जो 13वां नंबर का आपका सतत विकास लक्ष्य था वो कहता है कि आपको क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट करना है, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से जो उसका जो कंसिक्वेंस है, उसका जो परिणाम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जो तटीय देश हैं, तटीय जो शहर हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो कैसे उन इम्पैक्ट को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे उनका सामना कर सकते हैं, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये आपका 13वां सतत विकास लक्ष्य है। यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट लिखा हुआ है। ये पेरिस एग्रीमेंट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप इतना ध्यान रख सकते हो कि पेरिस एग्रीमेंट आपका 2015 में हुआ था, जिसका मेन पॉइंट था क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है। बाकी आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा
लाइफ बिलो वाटर, आपका जो सी है उसका कैसे यूज करना है, जो आपके मरीन रिसोर्सेस हैं, अब यहाँ पे आपकी मछलियां आ गई या फिर समुद्र के अंदर से जो भी आपको चीजें मिल रही हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, इन सारी चीजों का कैसे हम सस्टेनेबली यूज कर सके, ये आपका 14वां सतत विकास लक्ष्य है। एंड 14वां सतत विकास लक्ष्य आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम का सस्टेनेबल यूज करने के ऊपर ध्यान देता है। 15वां सतत विकास लक्ष्य आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कैसे हम सस्टेनेबल यूज करें। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लैंड की सभी चीजें आ जाती हैं, आपके जंगल आ गए, आपके ग्रास लैंड आ गए, तो जो भी चीजें हमें जंगल वगैरह से मिल रही है उनका हम कैसे सस्टेनेबल यूज करें। अब क्योंकि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे प्लांट की प्रजातियां होंगी, जिसे हमने कहा था बायोडायवर्सिटी, तो ये भी आप लोग एक स्टार मार्क कर लीजिए। बायोडायवर्सिटी का जो जिक्र है वो 15वें सतत विकास लक्ष्य में है, क्योंकि आपकी बायोडायवर्सिटी जो है वो आपके लैंड इकोसिस्टम से ही जुड़ी हुई है। एंड कुछ हद तक आपका आपका ये जो 14वां पॉइंट है इसमें भी एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी की बात होती है। तो अगर आपको 14वां और 15 में से एक ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसे टिक कर सकते हो बायोडायवर्सिटी के लिए। अगर 14 और 15 दोनों ही ऑप्शन है तो दोनों ही करेक्ट होंगे। इसके अलावा 16वां जो आपका सतत विकास लक्ष्य है वो भी कंट्रीज के बीच में पीस से रिलेटेड है, कि जितनी कंट्रीज हैं उनके बीच में शांति होनी चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध हो गया तो उसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। अभी एक स्टडी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतने वेपन्स हैं, इतने हथियार अभी डॉक्टर तक, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, नो सर ओके, एक अभी सर स्टडी हुई, सर हाँ जी, वो मिलेनियम गोल जो था वो कौन से ईयर से शुरू हुआ था? मिलेनियम गोल आपके 2000 में स्टार्ट हुआ था, वो हमने कल की क्लास में कवर किया था ना, यस सर, 15 15 सालों के अंतराल में ये गोल हम रिवाइज करते हैं। तो अब ये जो 16वां गोल है, मैंने आपको बताया था कि स्टडी हुई थी उसमें ये फाइंड आउट किया था कि हमारे पास अभी इतने हथियार हैं कि हम अर्थ को अराउंड 35 to 36 टाइम पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं। तो 35 गुना ज्यादा हथियार हैं अर्थ को खत्म करने के लिए। तो अगर हमारे पास वॉर होता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वहां पे अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हो गए तो उसके बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे। अभी जो कोविड-19 आया था उस पे भी उसे भी एक तरह से इस फॉर्म में क्रिटिसाइज किया गया था कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। तो जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में शांति रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही हमारा 16वां सतत विकास लक्ष्य है। इसके अलावा 17वां सतत विकास लक्ष्य में इन सभी चीजों को सम अप किया जाता है। 17वां सतत विकास लक्ष्य है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी एक साथ आ जाएं इन सभी सतत विकास लक्ष्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए सबके बीच में। तो ये हमारा 17वां सतत विकास लक्ष्य हो गया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये 14वां और 15वां आपका इंपॉर्टेंट है। 14वां बात करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी की। 15वां बात करता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, मतलब लैंड से आपको जो भी चीजें मिल रही हैं आपको सस्टेनेबली उसका यूज करना है। इसके अलावा 13वां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एंड 12वां आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट आपका सातवां, ये जो सतत विकास लक्ष्य है ये आपका क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट को जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं इन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई, अगली यूनिट हम 2 से 3 दिन में ये कर लेंगे, ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं, एंड उनकी वजह से कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चीजों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये हम नेचर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ चीजें हमें मिल रही हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, बायो मैग्निफिकेशन। तो पहले हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरह से हम नेचर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कंसिक्वेंस है उनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल इश्यू हम स्टार्ट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी कोई भी अगर हमारे पास कोई भी चीज है, अगर उसके फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसके भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल गुणों में अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है, अनडिजायरेबल चेंज मीन्स ऐसा चेंज जो कि हमारे लिए सही नहीं है और जो कि हमारे बिना मर्जी के हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। अब अगर एयर की गुणवत्ता में कोई बदलाव आ रहा है, अनडिजायरेबल बदलाव आ रहा है, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहेंगे। लैंड की अगर गुणवत्ता में, उसके कैरेक्टरिस्टिक में कोई बदलाव आ रहा है, तो उसे हम लैंड पॉल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। आप लोग मुझे ये बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए, किस तरीके से एयर की क्वालिटी में चेंज हो सकता है, किस तरीके से लैंड की क्वालिटी में चेंज हो सकता है, किस तरीके से वाटर एंड सॉयल की क्वालिटी में चेंजेस आ सकते हैं। सर एयर पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा, जो गाड़ियों का और जो फैक्ट्रीज का जो भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ धुआं वगैरह जो निकलता है, उससे जो एयर की क्वालिटी है वो डाउन होती है। हाँ और जी वाटर में भी कुछ ऐसे केमिकल्स मिल जाते हैं, वो भी फैक्ट्री है कुछ भी ऐसा जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वो डायरेक्टली उनका जो रास्ता है वो मतलब वाटर की तरफ ही कर देते हैं। मतलब कोई भी जैसे नदी नदियों की तरफ, नाले हाँ जी वगैरह, उनका पूरा मुंह मोड़ देते हैं। और एयर हो गया और वाटर, और हाँ लैंड में भी सर जो आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह, केमिकल, ये सारे जो खाद का यूज करते हैं वो भी उसकी उर्वरक शक्ति को कम करते हैं भूमि की, ये सब। हाँ जी हाँ जी संध्या जी और सर मैं ये कहना चाहूंगी, ये जितनी भी हमारी पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनका एक जो सबसे मेन रीजन हमारा पॉपुलेशन फैक्टर भी है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी हमारी व्हीकल्स उतने ज्यादा यूज होंगे, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर पे आएगी, उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज, मतलब पॉपुलेशन इज अ मेन फैक्टर ऑफ, मीन्स द अटमोस्ट फैक्टर यू कैन से इन सारे पर। पॉपुलेशन तो एक अल्टीमेट फैक्टर है ही, एक कोट भी है सर ओशो का। हाँ जी जैसे जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है या पॉपुलेशन है, ये तो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है, ये सब जो वो करेगा गवर्नमेंट वो करेगी, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि जो मतलब हम हैं वो अपने मतलब जरूरत का जो बहुत ज्यादा पल्यूट करता है उसके जगह पर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट यूज करें जो उस पल्यूटेंट को कम करे, मतलब पल्यूशन हो रहा है उसको कम करे, तो हाँ इससे जी करके भी हो सकता बिल्कुल, है पॉल्यूशन को टैकल करने के जी, लिए हम यूज लगभग कर सकते हैं ये हाँ सब। जी सर जैसे प्लास्टिक का 50 बहुत कम यूज कर सकते हैं, अगर जैसे अगर गाड़ियों में अगर देखा जाए तो बहुत सारा उसमें पॉल्यूशन होता है। तो अभी मैंने एक वीडियो देखा था जो सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट्स जिनके ऊपर मूवी बनी है, तो हाँ सर जी वो मतलब अनशन पर बैठ रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी जो ये देख रहे होंगे कुछ प्लान 6 कुछ है उनका, तो वो वहां पे बर्फ पिघल रही है
और वो मतलब गवर्नमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था और वो कर नहीं रही है, तो वो मतलब एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जो कि इसमें सस्टेनेबल कोल में है वो चीज, लेकिन फिर भी वो चीज पूरी की नहीं जा रही है। और उन्होंने ये भी एक वीडियो मैंने देखा था कि मतलब वो ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे थे, जबकि वो खरीद सकते हैं और अपना पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के प्रति कितना अवेयर है वो, ये पर्सनली भी आप मतलब खुद के ऊपर भी डिपेंड होता है बहुत कुछ। अराउंड 50-50 है आपका एंड गवर्नमेंट के बीच में। अगर हम चाहें तो मतलब 50% सिटीजन को करना पड़ेगा एंड 50% गवर्नमेंट को कुछ लॉज वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन के लिए जो हमारे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इनको हम एक स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जो भी अभी क्योंकि हम एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली हम इन्हीं चीजों को कवर करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, जब आप हैंड रेज करते हो एंड मैं अगर प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, तो आप डायरेक्ट अपना माइक ऑन करके अपनी बात कह सकते हो। जिस टाइम पे स्क्रीन शेयर नहीं होती उस टाइम पे आप हैंड रेज करते हो तो पता चल जाता है, लेकिन जब हमने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है उस टाइम पे वो हमें स्क्रीन विजिबल नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट माइक ऑन करके अपनी बात रख सकते हो। सर, और एक लैंड पोल्यूशन का मेन रीजन कि हम जो झाड़ कट कर रहे हैं, तो वो जो मिट्टी को होल्ड करते हैं वो प्रॉपर होल्डिंग नहीं हो रही, और मिट्टी बह के जा रही है अच्छी जो ऊपर की लेयर, तो ये भी तो एक रीजन है, और ऑक्सीजन वगैरह तो है। हाँ जी, इसे हम पर्टिकुलरली लैंड पॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसे हम सॉयल इरोजन कहते हैं। लैंड पॉल्यूशन में जब हम गार्बेज को कहीं पे दबा रहे हैं ना, तो वो जो मिट्टी है वो खराब हो गई, फिर इसे हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है, अगर उसे कोई कोई अगर फ्लूइड उसे लीक कर रहा है, वो पूरी मिट्टी में फैल गया, उसे हम लैंड पॉल्यूशन के। या फिर फार्मर्स वगैरह जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करके, यूरिया का यूज करके जो मिट्टी को पूरा टॉक्सिक कर देते हैं, उसे भी हम लैंड पॉल्यूशन समझ सकते हैं। और सर, हम प्लास्टिक के बैग जैसे ज्यादा यूज करते हैं, उसके बजाय हम कपड़ों के बैग ज्यादा यूज करें। हाँ जी, ये कुछ एक स्टेप हैं जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के जैसे कि लिए। सर, यही बढ़ती पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है ये बोल के, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा मतलब जो चिमनी से निकलता है ना सब आर्सेनिक, जिंक, ये सब मतलब एयर में ही जाता है, तो ये एक पॉल्यूशन एयर का। हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम एयर पोल्यूशन, आप लोगों ने बता दिया एयर वाटर एंड लैंड एंड सॉइल कैसे इनकी कंपोजिशन में चेंज होता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो एयर पोल्यूशन मींस एयर की जो नेचुरल क्वालिटी है, एयर की एक नेचुरल करेक्टरिस्टिक है कि एयर में ये सारी चीजें होती हैं, एयर में ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस आ रहा है तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब एयर पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई थी जो कि मैंने गलती से स्किप कर दी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था 1986 में, एंड ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून जून जून, जून हाँ में सर। जी, हाँ जी, 5 जून। तो एयर पॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपके कुछ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब आप कुछ भी जलाते हो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे मीथेन निकलती है। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें से राख निकलती है जिसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, उनसे कुछ पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। पल्टिकुलेट क्या होता है? पल्टिकुलेट मतलब छोटे छोटे कण, किसी भी चीज के छोटे छोटे कण। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आप पेपर जलाओ तो छोटे छोटे राख के कण निकलते हैं ना, या फिर किसी और चीज के छोटे छोटे कण, उसे हम पर्टिकुलेट कहते हैं। अब यहाँ पे आपके
धूल वगैरह भी आ गई, आपकी राख वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो जो भी ऐसे कण हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है, उनका अगर जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है, तो उसे हम वो हमारा पर्टिकुलेट मैटर में आता है एंड वो हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कोई चीज छोटी होती है तो वो हमारे नोस्ट्रिल से आगे जाती है, पर नोज में हमारे हेयर्स होते हैं जो कि उसको ट्रैप कर लेते हैं, म्यूकस होता है जो कि उनको ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चीज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटी है, कोई कण अगर इतने छोटे हैं, तो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं एंड हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। एटमॉस्फेयर मींस हमारा जो जितना भी एयर का कंपोनेंट है, जस्ट लैंड के ऊपर जो एक एयर की परत होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत वाइटल होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। एंड अगर एटमॉस्फेयरिक पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, जब ये एयर की क्वालिटी चेंज हो जाए एंड ये लाइफ को सपोर्ट करने की बजाय लाइफ के लिए हार्मफुल होने लगे धीरे धीरे, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हम हवा को गंदी करते जा रहे हैं उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब जिन भी चीजों से एयर पॉल्यूट होती है उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट, या फिर जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि किसी किसी जगह को, एयर को, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ये आपका नेचुरली एयर का कंपोजिशन है सबसे ज्यादा। ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये आपका नॉर्मल एयर का कंपोजिशन है। ऑक्सीजन अराउंड 20.9 के अराउंड होती है, इसमें नाइट्रोजन 78 के अराउंड होती है, आर्गन 0.9 के अराउंड होती है एंड बाकी ये सारी गैसेस 0.001, 0.0005 इसके अराउंड होती है। तो ये एक एयर का नॉर्मल कंपोजिशन है। अगर ये कंपोजिशन चेंज हो रहा है एंड चेंज होके वो हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है तो उस कंडीशन को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स आप लोगों को समझ में आ गए? जो भी चीजें एयर को पॉल्यूट कर रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपके छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर हो गए, उन सबको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सर, मतलब वो जो आपने परसेंटेज बताए उसमें अप एंड डाउन होता है, तो मतलब वो पॉल्यूटेंट कहेंगे उसे हम उसको। पॉल्यूशन कहेंगे। अगर ये जो हमारा कंपोजिशन है, ये एयर का गुण है जो बात हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, अगर इसमें अप एंड डाउन होने से हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंडीशन एयर पॉल्यूशन हो गई। एंड जो भी चीज उसमें अप एंड डाउन कर रहे हैं उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे आपका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी तो इसकी क्वालिटी यहाँ पे से बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें पॉल्यूटेंट हो गए। पॉल्यूटेंट मीन्स हवा को गंदा करने वाली चीजें, वो सारे पॉल्यूटेंट हो जाते हैं। तो पॉल्यूटेंट को हम बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है तो आप लोगों को मैं कई तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दो कैटेगरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको मैं स्टेट वाइज डिवाइड कर सकता हूँ, हमारे जोन वाइज डिवाइड कर सकता हूँ, नॉर्दर्न जोन, साउथ जोन। तो सिमिलरली जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी चीजें एयर को गंदा कर रही हैं, उनको भी हम दो आधार पे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उनको दो आधार पे हम डिवाइड, आधार है सोर्स ऑफ एमिशन, वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आ कहाँ से रहे हैं।
एंड दूसरा आधार यहाँ पे है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये दूसरा आधार हो गया। तो पहले आधार की बात करें हम, सोर्स ऑफ एमिशन। तो सोर्स ऑफ एमिशन पे पॉल्यूटेंट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप आपका हो गया नेचुरल सोर्सेस, जहां पे पॉल्यूटेंट्स प्राकृतिक स्रोतों से ही जनरेट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो आपके हो गए नेचुरल सोर्सेस। जैसे आपका जियोकेमिकल कॉन्टेमिनेशन, जियोकेमिकल कॉन्टेमिनेशन होता है कभी कभी अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हैं वो पानी में मिल जाते हैं, या फिर उसके थ्रू फिर वो धीरे धीरे ऊपर आके आपकी हवा में मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी जो गैसेस हैं उनका हवा में प्रेशर बदल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो वॉल्केनो हैं वो अगर फूट रहे हैं तो उनसे बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके नेचुरल सोर्स हैं, और ये सोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नेचुरल सोर्सेज में। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो सारे सोर्सेस हैं ये आपके प्राकृतिक हैं। दूसरे जो सोर्स हो गए उन्हें हम कहते हैं मैन इंड्यूस एक्टिविटी, मानव जनित गतिविधियों से जो पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे दूसरे टाइप के पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो इनके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन इनसे ही कभी कभी आ जाता है। तो इंसिनरेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिस्पोज करते हैं या फिर किसी चीज को जब हम जलाते हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो इंसिनरेशन, जैसे हम लकड़ी जला रहे हैं या फिर हम कोल जला रहे हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा पॉल्यूशन होता है। कौन सी गैस निकलती है जब हम वुड को जलाते हैं? कार्बन मीथेन। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ मोनोऑक्साइड, जी, कार्बन आपकी मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप लोग लिख लीजिए। जब वुड का कंप्लीट कंबशन होता है, मींस आपने आग जलाई और आग अच्छी तरीके से जल रही है, तो वहां पे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड जहां पे आग बुझने लगती है, धुआं निकल रहा है, जहां पे इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है वहां पे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वैसे तो दोनों ही गैसेस निकलती हैं, लेकिन आग अगर पूरी अच्छे से जल रही है, कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है यानी कि आधी अधूरी आग जल रही है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसीलिए आप लोग देखो जहां पे आग जल रही है वहां पे हम आराम से बैठ लेते हैं, लेकिन अगर आग बुझ गई और बहुत सारा धुआं हो रहा है तो हम वहां पे नहीं बैठ पाते, क्योंकि तब वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगती है और वो ज्यादा हार्मफुल है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकल रही हैं ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो भी आपकी गाड़ियां चल रही हैं उनसे निकलता है सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस पे क्वेश्चन आया था कि जो आपका सल्फर ऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड, ओके एक मिनट जस्ट। जो आपका सल्फर ऑक्साइड है एंड आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो निकलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, एंड इसके अलावा इनसे कुछ स्मोक निकलता है, कुछ राख निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, लेकिन मोस्टली ये जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे दो चीजें रिलीज होती हैं। मतलब दो चीजों का मेन जो सोर्स है वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही है। एक है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब ये सल्फर एंड नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट हो गए, आगे जाके ये क्या हमारे इन्वायरमेंट में चेंज लेके आएंगे ये हम आगे पढ़ेंगे।
उसके अलावा एक और वो यहाँ पे जनरेट होता है केमिकल जिसे हम कहते हैं लीड, LEAD, तो वो भी आप लोग लिख लीजिए। लेड का भी जो मेन सोर्स है वो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही है। इसके अलावा आपकी ऑयल रिफाइनरीज हो गई, यहाँ पे से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं। इसके अलावा जब मिल में या फिर किसी चीज को क्रश किया जा रहा है, कहीं पे किसी चीज को ग्राइंड किया जा रहा है, तो वहां पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रिलीज होते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वहां पे से डायरेक्ट एयर में मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेपर्स, ये सारे के सारे जो हैं वो मैन मेड सोर्सेज हैं। ध्यान आपने क्या रखना है, एक तो इंसिनरेशन में कंप्लीट कंबस्टन से कौन सी गैस रिलीज होती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन से कौन सी गैस रिलीज हो रही है। दूसरा, ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसका मेन सोर्स आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। लेड का मेन सोर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही है। तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन हो गए। हमने अभी पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, स्रोत के आधार पे हमने डिवाइड किया। आगे जाके हम डिवाइड करेंगे इनके फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है पर्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स। पर्टिकुलेट्स मीन्स ये सॉलिड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं ये। एक मिनट, सॉरी। एक हो गए हमारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड नेक्स्ट हो गए हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो ये फिर हम कल की क्लास में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपका कोई कंफ्यूजन है? सर वो इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें मुझे थोड़ा सा वो क्लियर नहीं होता, अप टू राइट वाला जो कुछ था और वो क्या चीज था सर, मैंने मतलब वीडियो भी सुना पर क्लियर नहीं हुआ था। कुछ था कि अप टू राइट और कुछ ऐसा क्या चीज था जो दो तीन सारी चीजें थी, अपराइट पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड। ये सर इसको ये क्लियर नहीं है मुझे थोड़ा। ओके, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। कल अगर जिन जिन को प्रॉब्लम है पिरामिड में, अपराइट पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड, वो कल की क्लास से 5 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे इनिशियल 5 मिनट में। क्योंकि हमें, क्योंकि अगले 6 से 7 दिन में पूरे इन्वायरमेंट के सिलेबस को एंड करना है, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। तो क्लास में तो अभी से डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें आगे भी कवर करना है। कल क्लास से पहले हम कवर कर लेंगे इसे 5 मिनट में। ओके सर, सर एक्सक्यूज मी सर, ये ओजोन है ये भी हमारे पॉल्यूटेंट्स में आते हैं क्या, इंक्लूड है? बिल्कुल, क्योंकि ओजोन अगर अपनी जगह पे रहेगी तो वहां पे वो यूवी रेज को आने से रोकती है। लेकिन अगर ओजोन हमने इनहेल कर ली, ओजोन की जो लोकेशन थी वो थी स्ट्रेटोस्फेयर, आपको याद होगा जब हमने स्पेयर्स डिस्कस की थी। लेकिन अगर ओजोन सबसे नीचे वाली लेयर में आ गई, हमारे आसपास आ गई, तो ओजोन को इनहेल करेंगे हम तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ही जैसी। तो वो भी पॉल्यूटेंट है अगर वो इस लेवल पे आ रही है। तो ओजोन को इन्वायरमेंट में ऊपर ही होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में। ओके, ठीक है, थैंक क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक सर थैंक यू सर, यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।